I'm Rajiv Chaudhary, welcoming you back on your very own show, Movie Biz. Well, thank you so much for subscribing our show, for liking our show and being with us. Thank you. It's a huge encouragement. Okay, this show, Movie Biz, is all about film trade. And today we're going to talk about the latest on the Kashmir Files and the latest movie RRR, which has just come in, and related many more news of film trade. And we have with us Narendra Gupta ji, the senior film trade journalist. What do you think about the Kashmir Files, RRR? Kashmir Files जो शोर मचा रही है, जो जोर से चल रही है, क्या लग रहा है आपको उसके बारे में? कश्मीर फाइल का फर्स्ट वीक बहुत ही अच्छा था और सेकेंड वीक उससे भी ज्यादा अच्छा था. फर्स्ट वीक 96 सीआर, सेकेंड वीक 110 सीआर. तो 206 करोड़ का बिजनेस की छोटी सी फिल्म जो मात्र 14 करोड़ की बनी हो, से और इसी वजह से प्रॉब्लम हुई बच्चन पांडे को 50 करोड़ बिजनेस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा. इवन अक्षय कुमार ने खुद एडमिट किया रिसेंट एक शो में कि कश्मीर फाइल ने उनकी फिल्म को डुबो दिया. तो मतलब कंटेंट इज किंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑफ एंड ऑन एवरी टाइम. तो कश्मीर फाइल ए ह्यूज ब्लॉकबस्टर, लेकिन आरआरआर आ गई. आरआरआर से डेफिनेटली सेटबैक मिला कश्मीर फाइल को. इन स्पाइट ऑफ इट फिल्म डिड 20 सीआर वीकेंड बिजनेस व्हिच वाज रियली वेरी गुड. कौन सी फिल्म 20 सीआर? कश्मीर फाइल थर्ड स्टिल सस्टेनिंग, बट थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, थोड़ा असर हुआ है. असर तो पड़ा ही है क्योंकि 28 करोड़ का बिजनेस था सेकंड वीक का, संडे का, कश्मीर फाइल का, जो 9 करोड़ पे आ गया. स्टिल 9 करोड़ इज वेरी डिसेंट फिगर इन द थर्ड वीक. एंड फिल्म इज एवरी लाइकली टू क्रॉस 250 सीआर मार्क. जगमोहनपुरी ने वो अगेन वही फीलिंग है उरी और नेशनल की. पिक्चर का नाम है जन गण मन. It's a massive film. It's going to be start. South has suddenly taken over. Absolutely. South ने पुष्पा ने जो start किया है क्रेज, अभी latest आपको पता है कि ट्रिपल आर रिलीज हुई है. Budget is over 500 crore. लेकिन promo में इतनी गर्मी नहीं थी कि लोग wait कर रहे हैं कि यार कौन सी बड़ी फिल्म आ रही है. लेकिन राजमौली एक ब्रांड है. बाहुबली 1, बाहुबली 2 ने उनको establish कर दिया बॉलीवुड में कि नहीं, he is the person to be seen on the big screen. बट क्या ये उतना बिजनेस करेगी बाहुबली? आई थिंक इट क्रॉस्ड 1800 करोड़. बाहुबली ये कितना करेंगे? बाहुबली क्यों ने डेफिनेटली 1800 क्रॉस किया था बिजनेस, लेकिन उसमें चाइना का बिजनेस इंक्लूडिंग था. ये फिल्म चाइना में रिलीज होना बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से बिजनेस जा रहा है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक्सेप्ट चाइना 1000 फिगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फिल्म ने 3 दिन का बिजनेस ही करीब 500 करोड़ क्रॉस कर लिया था, विच वॉज रियली रिमार्केबल फिगर. और बॉम्बे में मतलब हिंदी बैच में पिक्चर अच्छा बिजनेस कर रही है. सरप्राइजिंग, हिंदी में ज्यादा अच्छा कर रही है. साउथ में सुना है कुछ साउथ में डाउन आया है, जैसे साउथ में ड्रॉप आया है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर. और जो भी फिल्म देख के आएंगे उनको लगेगा कि एक क्या विजुअल ट्रीट है 3 घंटे का. इट्स अ सिंपली अ मास्टरपीस फिल्म व्हिच यू मस्ट सी एंड एंजॉय इन 3D स्पेशली. तो ओवरऑल आई थिंक गुड पीरियड हैज कम इन. लोग थिएटर्स में जा रहे हैं, सिनेमा बिजनेस हैज कम अप, पीवीआर ने भी आईनॉक्स के साथ ज्वाइन कर लिया है और थिएटर्स बनने वाले. तो व्हाट डू यू थिंक, ओटीटी से ज्यादा अच्छा अभी बिजनेस शुरू हो गया है थिएटर्स का कि ओटीटी? अभी पैन इंडिया थिएटर डेफिनेटली खुल गए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 100% ऑक्यूपेंसी से खुल गए. लेकिन फिल्म वही चलेगी जो लार्जर देन लाइफ हो, एक बड़े पर्दे पे लोग देखना चाहते हो. छोटी मोटी फिल्मों को रियली अभी भी स्ट्रगल करना पड़ेगा. कश्मीर फाइल्स तो छोटी फिल्म है अगर देखा जाए, बट कश्मीर फाइल का एक उसको हर कंटेंट, एग्जैक्टली कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी. लोगों ने एसोसिएट किया एक जो 32 साल से लोगों को पता नहीं था कि 1990 में कौन सा बड़ा हादसा हुआ था. लोगों में क्यूरियोसिटी थी, वो देखनी है. तो हर फिल्म कश्मीर फाइल नहीं हो सकी कि एक भीड़ चल है, लोग बना रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट है कि हर फिल्म कश्मीर फाइल के लेवल को छू पाएगी. अल्टीमेटली पीपल वॉन्ट डिफरेंट, वॉन्ट आउट ऑफ द बॉक्स. सेम चीज रिपीट नहीं कर सकते आप, इट इज मोनोटोनी नहीं चलने वाली. एंड व्हाट एल्स इज हैपनिंग नाउ? लेटेस्ट कौन सी और फिल्में आ रही है आने वाले दिनों में? इस वीक फ्राइडे को रिलीज हो रही है जॉन अब्राहम की अटैक. अगेन एक्शन फिल्म है. तो जॉन के जो टिपिकल फैन फॉलोइंग है, उनको एक्शन देखना पसंद करते हैं, उनको डेफिनेटली फिल्म पसंद आएगी. लेकिन उसके बाद दो फिल्में आ रही है 14 अप्रैल को, वो डेफिनेटली धमाका करेंगी. एक शाहिद कपूर की जर्सी, लॉन्ग अवेटेड फिल्म, प्रोमो बहुत ही कमाल के हैं. होप टू
की फिल्म अच्छा बिजनेस करे और सबसे बड़ी फिल्म आ रही है KGF 2। 100 करोड़ बजट की फिल्म है, यश हीरो है इसमें, संजय दत्त और रवीना टंडन को भी इन्वॉल्व किया गया। होप दिस विल डू बेटर बिजनेस देन पार्ट 1। आई हैव लॉट ऑफ होप्स ऑन अटैक आल्सो। अटैक में ग्लैमर भी अच्छा नजर आ रहा है, ग्लैमर अच्छा है जैस्मिन फर्नांडिस के साथ और दीप्ति सिन्हा। लेकिन एक्शन फिल्म है, एक्शन फिल्म तो ओवरऑल ट्रेलर्स इट लुक्स टू बी गुड, या लुक्स लाइक अ गुड एक्शन, इफेक्टिव एक्शन फिल्म। अच्छा, गुड, वी आर हैप्पी, बॉलीवुड इज डूइंग गुड, बॉक्स ऑफिस हैज कम बैक इन बिग शेप, बट स्टिल साउथ इज conquering. South has made it big. Absolutely. Bollywood, Hindi film industry also has to now pick up and do good. One more hero of this coming end of April. Again, it's an action-packed film directed by Mr. Ahmed Khan, producer Sajid Nadiyadwala. Tiger Shroff. Promo is really amazing. Again, Tiger is going to roar box office. But audience ka change ho raha hai, taste. Audience wants content. Content digest. Huge way, in a huge way they want content. They will not accept run of the mill stuff. अभी तो इतना खाली एक ही है कि लोगों ने प्राइस टिकट के बहुत बढ़ा दिए हैं, वो थोड़ा कंट्रोल करें तो ऑडियंस ज्यादा है, लोगों की पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि हर फिल्म देख सके। बट बिजनेस तो हो रहा है, हाउसफुल जा रही है। फिर भी जिस हिसाब से जैसे 41 करोड़ की बाहुबली 2 को ओपनिंग थी, इसको मात्र 19 करोड़ की ओपनिंग मिली, हाफ ऑफ बाहुबली। वाई बाहुबली का कुछ अलग ही वेव था, उसके बाद कुछ और थी, ये उतना वेव नहीं क्रिएट कर पाई RRR, बट स्टिल इट इज क्वाइट अ हेवी स्ट्रॉन्ग फिल्म। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ डेफिनेटली फिल्म पिक्ड अप। 32 करोड़ का बिजनेस संडे का था, डेफिनेटली लोगों को पसंद आई, इसीलिए लोग थिएटर में गए। तो 32 करोड़ का फिगर 18 से शुरुआत करके इसलिए रिमार्केबल फिगर। व्हाट अबाउट सलमान, शाहरुख, आमिर? आमिर की फिल्म एक एक्सपेक्टेड है ना, आमिर की फिल्म ऑगस्ट में आ रही है, लास्ट चड्डा। लेकिन दुख की बात है कि पेंडेमिक में जितने बड़े स्टार थे उनकी कोई फिल्म नहीं है, चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ऋतिक रोशन हो, रणवीर कपूर हो, इतने बड़े स्टारों की फिल्म न आने के बावजूद लोगों ने एंटरटेनमेंट की कमी महसूस नहीं की। इसकी सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, तो लोगों ने जो बाकी स्टारों को हाथों हाथ लिया उनकी फिल्में चलाई। दैट्स अ गुड साइन फॉर दैट्स विद दैट गुड नोट, विद दैट पॉजिटिव नोट कि आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट ही अच्छा होना चाहिए, बट मेकिंग साथ में भी इफेक्टिव होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलती ही चलती है। So with that good note, let's wind up here and wishing you all the best. See you again, same time, very soon. Take care. Bye. Thank you. Thank you.